एक तरफ कोरोना वायरस का संकट तो दूसरी ओर शहरी क्षेत्र की कॉलोनी में गंदगी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। शहर से लगी साइंस सिटी कॉलोनी में इन दिनों ऐसे ही कुछ हालात हैं, जहां खाली प्लॉटों पर भारी गंदगी जमा होने के साथ ही सीवर का पानी प्लॉटों में जमा हो रहा है। इसके न सिर्फ मच्छरों की पैदावार बढ़ रही है बल्कि दूसरी अन्य गंभीर बीमारियां भी सिर उठा रही है। बावजूद इसके नगर पालिका इस गंभीर खतरे को अनदेखा करने में लगी हुई है। रहवासियों की माने तो साइंस सिटी कॉलोनी में नालियों का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है, इस वजह से दूसरी कॉलोनियों का सीवर का पानी खाली प्लॉटों में जमा हो रहा है। नगर पालिका में इस संबंध में कई शिकायतें भी की गई, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। जा फूट ले देगा। अरे भाई साहब जी को ले रहे हैं। मेरा प्लाट में सामने और पूरे मतलब मच्छर मच्छर खा रहे हैं, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाकर, इसलिए तो मैं सोचा कि उसकी कुछ व्यवस्था हो जाए या फिर उसमें मरम्मत भरवाई जाए, या इसमें रोड भी ऐसे ही हो रहा है उसका आगे से। तो क्या नाली वगैरह नहीं है? क्या है? नाली नहीं है, नाली समस्या है। उधर पूरे कॉलोनी का पानी आता है उधर से ही, पीछे से पूरी कॉलोनी का श्रीराम की तरफ से पूरी कॉलोनी है, उधर लास्ट से पानी पूरा इधर ही भरता है पूरे प्लाटों में। तो इधर का निकास नहीं है क्या? है निकास तो है, लेकिन क्या है कि रोड मोड़ नहीं है, इधर रोड नहीं बनाई। इधर उस साइड में रोड बन जाए तो रोड से नाले से नाले मिल जाएगा तो ये पानी निकल जाया करेगा।